के लेंथ एल दे रखा है उसका, और इनिशियली उसकी डायमीटर डी दे रखा है, लेंथ को उसको डायमीटर को हाफ कर दिया गया। उस केस में पहले आर जो था 10 था, अब जो हो गया आर डैश हो गया, तो इसी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ओके, तो डायमीटर जो पहले था उसका क्या, उसका एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर देखा जाए तो ओरिजिनल एरिया में लिखूँ यहाँ पे, ओरिजिनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर मतलब डी बाई टू का स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई फोर। अच्छा, फाइनल एरिया कितना होगा, न्यू एरिया या फाइनल एरिया कितना होगा, पाई हाफ कर दिया डी बाई फोर हो गया, तो मतलब पाई डी स्क्वायर बाई 16। अच्छा, वायर जो तुमने स्ट्रेच करा तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो होगा, इनिशियली वॉल्यूम इक्वल टू वी फाइनल। ओके, वेयर वी क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम जो चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम क्या था, एरिया इंटू लेंथ। अगर पहले उसकी लेंथ एल थी और एरिया उसका क्या था, पाई डी स्क्वायर बाई फोर था, तो अब उसकी लेंथ एल डैश हो गई और एरिया कितना था, पाई डी स्क्वायर बाई 16 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और जो एल डैश की वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे। अब देखो नीचे से नीचे 4 जा कट गया। ओके, तो एल डैश की जो वैल्यू बची क्या, कितनी हुई, 4 एल हो गई एल डैश की वैल्यू। अब हम आर निकाल सकते हैं, आर बराबर रो एल डैश, एल डैश मतलब 4L अपॉन ए, एरिया कितना, पाई डी स्क्वायर बाई 16। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो R इक्वल टू रो इनटू L, रो इनटू L अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4 इनटू डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। इसके अलावा जो भी टर्म बचा आपका, रो एल बाई ए लिख दिया मैंने, इसके अलावा जो भी टर्म बचा ऊपर बचा 4, और इस जो नीचे था 4 ऊपर, नीचे तो 4 ले लिया, एक और 4 बचा 1/4, तो ऊपर गया तो कितना हुआ, यहाँ बचा 1/4, एक और 4 बचा तो 1/4 ऊपर जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो अब जो आर हुआ तो इनिशियली ए आर डेस हुआ, तो आर इंटू 16 ये बचा, तो आर की वैल्यू कितनी है भाई, 10 इंटू 16 इट मीन्स 160 ओम आ गया। ओके, 160 ओम ऑप्शन देखें, 160 ओम इट मीन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।